राहुल गांधी ने लंदन वाले बयान पर दी सफाई, कहा किसी देश को हस्तक्षेप करने को नहीं बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने लंदन वाले बयान पर सफाई दी है। राष्ट्रीय राजधानी में भारत की G20 अध्यक्षता पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने अपना पक्ष रखा। बैठक में भाजपा नेताओं राहुल में नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान राहुल का नाम लिए बिना भाजपा सांसदों ने बोला तो उन्होंने बीच में ही टोक दिया और कहा कि उन्होंने देश विरोध में कोई बात नहीं कही है। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में जयशंकर ने समिति के सदस्यों को G20 की अध्यक्षता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इस बीच बैठक में भाजपा के एक सांसद ने नेताओं द्वारा विदेशी जमीन पर भारतीय लोकतंत्र की बात कर राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश का मुद्दा उठाया। बैठक में विपक्षी सदस्यों के साथ मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सांसद को बीच में ही रोक दिया और कहा कि मुझे पता है कि आपका अप्रत्यक्ष संदर्भ मेरे बारे में है, लेकिन मैं साफ कर दूं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने अपने कैम्ब्रिज वाले भाषण में एक व्यक्ति की आलोचना की थी, ना कि सरकार के खिलाफ कुछ बोला था। राहुल ने अडानी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने एक उद्योगपति की बात की थी और उसका सरकार ने सरकार नहीं है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने केवल लोकतंत्र पर बोला, ना कि किसी देश को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी के बाद एक और भाजपा सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि इस बारे में बोलने के लिए यह उपयुक्त मंच नहीं है। बैठक में मौजूद कुछ अन्य सांसदों ने भी भाजपा सांसद द्वारा रखे गए तर्क का समर्थन किया, जबकि कई विपक्षी सांसदों ने राहुल के लंदन दौरे के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों के अप्रत्यक्ष संदर्भ के मद्देनजर स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने के अधिकार का समर्थन किया। सूत्रों ने ANI को आगे बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल के इस बयान पर नाराजगी जताई कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में जो कहते हैं उस पर कायम है। इस बीच बैठक में राहुल ने जब अपनी सफाई देना जारी रखा तो जयशंकर ने टोकते हुए उन्हें विषय पर बोलने को कहा। बैठक में एस जयशंकर, वी मुरलीधरन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और डॉक्टर शशि थरूर ने भाग लिया। उनके साथ TMC का प्रतिनिधित्व शत्रुघ्न सिन्हा ने किया। BJD से सुजीत कुमार, UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और राजद सांसद प्रेमचंद्र भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लंदन में राहुल गांधी द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार ने उनकी आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और किरेन रिजिजू ने राहुल के खिलाफ बोलते माफी तक की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह देश की छवि को विदेशों में खराब करने के समान है। पिछले हफ्ते इसके चलते संसद के दोनों सदनों में भी काफी हंगामा हुआ था।